इन पार्टियों में उन्हीं मुसलमानों की जगह है जिनको मांगने की आदत हो चुकी है। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी डाली है। अली के सरेंडर अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से पूरे मामले पर आख्या मांगी है। इस मामले पर कोर्ट 12 जनवरी को सुनवाई करेगा। सरेंडर अर्जी के माध्यम से अली के वकील ने बताया कि वह 19 साल का किशोर है और LLB का छात्र व शांतिप्रिय नागरिक है। अर्जी में कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने उसके खिलाफ बेवजह FIR की है, जबकि मौके पर वो खुद मौजूद नहीं था। करैली थाने में अली और 9 अन्य लोगों के खिलाफ FIR के बाद से पुलिस लगातार दबिश देकर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। पुलिस का चौतरफा दबाव गैंगस्टर की कार्रवाई को देखते हुए अली ने सरेंडर की अर्जी डाली है। पुलिस अली की तलाश में इलाहाबाद मंडल के अलावा कई अन्य शहरों में भी दबिश दे रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इंसाफ की गुहार पहले ही लगाई थी। CM को, मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को हमने लेटर अपने इंसाफ के लिए लिखा है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए और ये जो प्रार्थी, ये वादी जो हैं प्रार्थी इमरान जानू, ये हमारे पति का काम करते थे, ये जेल जाने से पहले हमारे पति का काम करते थे और जब से जेल सांसद जी गए हैं इन्होंने हमारे सांसद जी का नाम बदनाम किया है।